हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का संध्या रतन किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ काले चने की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 300 ग्राम लगभग चना लिया है। ये मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया है। आप चाहे तो 4 से 8 घंटे भी इसे भिगो सकते हैं या फिर पूरी रात भी। तो सारे चने को हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरीके से। सारा चना मैंने डाल दिया, थोड़ा सा चना मैंने बचा लिया है। मेरे घर में दो तोता है उसके लिए। तो देखिए, मैंने रेसन की कलियां छील के रखी है। अब मैं इसमें कुछ कलियां इसमें ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी, और कुछ बचा लूंगी मसाले के लिए। मैंने ये 4 प्याज काटा है स्लाइस में, मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है। लगभग 1 प्याज करीब मैं इसमें डाल दूंगी और बाकी मैं बचा लूंगी तड़के के लिए। अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच नमक, ताकि नमक का टेस्ट इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी उतना डालना है ताकि चना अच्छे से डूब जाए, जिससे कि चना अच्छे से गल सके सीटी आने के बाद। कुकर को अब कर दूंगी बंद। गैस का फ्लेम मीडियम आंच में ही रखना है और 4 से 5 सीटी आने तक का इंतजार करना है। तब तक मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। देखिए, अब मैं इसमें सूखे मसाले डालकर मैं मसाले को तैयार करके रख दूंगी, ताकि मसाले अच्छे तरीके से फूल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 1 चम्मच चना मसाला लिया है। एक चम्मच लिया मैंने जीरा पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर। सारे मसाले को मिक्स कर देना है। इसके बाद मैं ढक के इसको छोड़ दूंगी। चार से पांच सीटी आ चुकी है। कुकर को मैंने साइड में रख दिया, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। अब मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी। 1/4 चम्मच मैंने जीरा लिया है। 2 चुटकी मैं डालूंगी इसमें हींग। जीरा ब्राउन होने तक हम इंतजार करेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज। प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से पका लेना है। अब मैं डालूंगी इसमें तेजपत्ता। 2 मैंने तेजपत्ता लिया है, जिसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें सारे मसाले जो मैंने भिगो के रखा था, ये इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, ताकि मसाले इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच नमक। नमक उतना ही डालना है जितना की जरूरत हो।
मसाले को अच्छे से चलाते हुए पकाना है। गैस का फ्लेम कर दूंगी मैं मीडियम में। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी। लगभग 5 मिनट हो चुका है। देखिए प्याज भी अच्छे तरीके से गल गया है और मसाला तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसे कलछी से चलाते हुए प्याज को जितना हो सके उतना मेल्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। देखिए इस तरीके से कलछी से चलाते हुए मसाले को भुनना है। कुकर से सीटी निकल चुका है। एक चम्मच की मदद से मैं इसमें सारे चने को डाल दूंगी। अब देखिए चने भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। प्याज और लहसुन जो मैंने इसमें डाला था वो भी अच्छे तरीके से गल गया है। चना में इस तरीके से मसाला ऐड करने से चने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जल्दी भी बन जाता है, स्वाद भी वैसा ही रहता है। चना को अच्छे तरीके से मिक्स करके हमें भूनना है लगभग 5 मिनट तक। चना मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं ढक के लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए चना तेल छोड़ दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसे मैं अच्छे तरीके से चला लूंगी। 2 से 3 मिनट तक इसे चलाते हुए भून लेना है। जो चना के पानी मैंने बचा रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला मैंने वो इस्तेमाल किया जो मैंने घर में खुद तैयार किया है, ये बाजार से मैंने नहीं मंगवाया। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच चीनी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई करें, इस तरीके से काले चने की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये खाने में और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। देखिए चना मसाला हमारा हो गया है तैयार। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय।